हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना अफ्टरनून से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि आज जो हस्बैंड का ऑफ है तो बहुत लेट उठी, तो लेट उठ के हमने बस चाय पिया बिस्किट के साथ। अभी जो है लंच प्रिपेयर कर रही हूँ और बहुत ईजी सा एक बिरयानी बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हो मैंने क्या क्या डाला। जैसे ग्रेवी बनाते हो ना, चिकन ग्रेवी उसी टाइप का बनाया, बस गरम मसाला एक्स्ट्रा डाल दीजिए उसमें, थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च, टमाटो, कोई भी चिकन एक्स्ट्रा मैंने फ्राई नहीं किया, बस वन पॉट मील भी बोल सकते हो आप लोग। अगर कोई स्टूडेंट्स हो, अगर बिरयानी खाने का मन करे जल्दी जल्दी में, तो इस टाइप का बना सकते हो। यहाँ पर मैंने बारिस्टा डाला जो अनियन को फ्राई करके ना इसी टाइप का डाल के ग्रेवी जैसे बनाते हो ना चिकन का, तो उस टाइप का बना सकते हो। यहाँ पर मैंने इमली डाला। तो अगर कोई भी बैचलर हो, कभी बिरयानी जल्दी जल्दी में बनाना मन करे खाने के लिए, तो इस टाइप का बना के आराम से खा सकते हो। और इस वीडियो को ना आप लोगों को एंड तक देखना पड़ेगा। मैं नहीं बताऊंगी अब क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि ये व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप लोगों को लास्ट, एकदम लास्ट में पता चल जाएगा, तो पता चलने के लिए आप लोगों को लास्ट तक देखना पड़ेगा ना। तो ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा आई एम श्योर। तो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू होना, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। और देखिए यार, और यहाँ पे ना मैंने गरम मसाला डाला और उसके बाद जो है लाल मिर्च थोड़ा सा डाला, हल्दी डाला। तो इसे फ्राई करूँ ऐसे जब तक ऑयल निकल ना जाए, चिकन से फ्राई हो ना जाए अच्छे से। तो उसमें मैंने ये डाला, पानी डाला, और पानी डाल के ये देखिए, अगर आपके पास दही हो तो दही भी डाल सकते हो। मेरे पास दही अवेलेबल नहीं था, मैंने इजी सा सिंपल सा बनाया था, मैंने आप लोगों को बोला उसी टाइप से मैंने बिरयानी इजी इजी बना लिया है। मन होता है कभी कभी खाने का, तो चटपट बिरयानी ऐसे भी बना के खा सकते हो। यहाँ पे जो है ना मैंने राइस बॉयल करने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने पानी में गरम मसाला डाला, थोड़ा सा नमक डाला, ऑयल डालना ताकि जो भी राइस है ना वो खिला खिला बने। तो यहाँ पे ये सब डाल के अभी मैं यहाँ पर जब तक पानी में उबाल आ जाए उसके बाद जो है मैं राइस डाल दिया मैंने। अगर बासमती राइस कभी बना रहे हो तो ऐसे बिरयानी का, तो राइस को ना थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर एटलीस्ट, तो उसे ना भिगो के रखिए, ताकि तब ना राइस बहुत अच्छा खिला खिला बनता है, लंबा लंबा बनता है। तो ऐसे देखिए कितना, मतलब आपको ना राइस को फुल कुक नहीं करना है, एटलीस्ट 80% कुक करिएगा, उसके बाद हम जो है ना इसे लेयर करके दम पे लगा देंगे। ये देखिए मेरी चिकन भी ऑलमोस्ट बन के रेडी है, अभी इसमें डाल दूँगी ऊपर से और दम पे लगा देंगे। ईजी है यार, बना के ज़रूर ट्राई करिए। ओके, तो देखिए मेरे वीडियो को एंड तक एन्जॉय करिए, क्या ही बकबक करो है ना। तो चलिए देखते रहिए। और एक बात, और मेरे जो असम की व्यूअर्स है ना, जो उसने मुझे लास्ट टाइम बोला था मैं असामीज में वीडियोस नहीं बनाती हूँ, तो आई एम श्योर मैं बीच बीच में ना मैंने सोचा असामीज में भी वीडियो बना दिया करूँगी, ताकि सबको अच्छा लगे। और बनाऊँगी यार, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे कंफर्ट फील होता है असामीज में वीडियोज़ बनाना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बनाऊँगी। गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब। और अभी मैं आई हूँ छत पे, और आज ना मैं अपना व्लॉग जो है आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सुबह से टाइम नहीं मिला था आज, और बहुत लेट उठी क्योंकि हस्बैंड का ऑफ था, तो मुझे लगा चलो आज एक ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और ये मेरा छत है देखिए, और इतना धूप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सनी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, लेकिन ज़्यादा गर्मी नहीं है, अच्छी वेदर है अभी, बहुत अच्छा वेदर है, हवा है यहाँ पर, मस्त हवा है। तो कैसे हो आप सब मुझे ज़रूर बताना। और आज मैं सोच रही थी मैं एक अपना ब्लॉग जो है, मैं वीकेंड में ना दो ब्लॉग जरूर आप लोगों के लिए लेके आऊँगी हर वीक में, तो दो ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा। और आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियोस को, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और कमेंट्स करके मुझे बताना कैसा लगा मेरे वीडियो। अगर कोई भी मेरे चैनल पर न्यू होना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मेरे वीडियो को एन्जॉय करिए। यहाँ पर मेरे कपड़े हैं, वो है एक कतर रिवर्स का बिल्डिंग, यहाँ पे जो घर है आप लोग देख सकते हो पूरा सेम कलर है, यहाँ पे हर एक कलर जो है ना सेम है। और यहाँ पे मेरे कपड़े हैं जो मुझे लेना है, तो अभी मैं आई हूँ कपड़े लेने के लिए। ना मैं अपने कपड़े लेने के लिए आई हूँ, इतना सनी है ना, बहुत ज़्यादा सनी है। तो मेरे वीडियोज़ को देखिए आप लोग, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वीकेंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रेगुलर व्लॉग में मुझे लगता है क्या ही दिखाऊँ, जब घर पे भी कर रही हूँ, आफ्टरनून से ही स्टार्ट करती हूँ। अभी यहाँ पे जायान का कपड़े मैंने सुखाने के लिए रखा था, सूख गया क्योंकि इतना सनी है, बहुत जल्दी सूख जाता, थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पे रखा था। तो अभी मैं कपड़े लेके जाती हूँ, अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आप लोग देखिए मेरे वीडियो को, अगर अच्छा लगे लो लाइक ज़रूर करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट।
तो मैंने ना लंच किया, उसके बाद ना रेस्ट किया थोड़ा सा, और रेस्ट करके हम इवनिंग हो गया था। इवनिंग होने में हमें लगा चलो आज थोड़ा सा बाहर चलते, क्योंकि वीकेंड ही होते हैं हम बाहर आते। एक्चुअली वीकेंड क्या, हमारे हस्बैंड का जब ऑफ होता है उसी दिन हम बाहर आते, वही हमारे लिए वीकेंड है। तो आज जो है फ्रेंड्स के साथ बाहर आए हुए हैं, और एक मज़े का जगह आए हैं। दिखाऊँ क्या, ये देखो हम आए हैं कॉर्निश पे, और यहाँ पे बोटिंग करने बहुत टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स हो गया, और 3 ईयर्स तो हो ही हो गया है हमने बोटिंग नहीं किया। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, और बच्चों को भी बहुत मन हो रहा था, तो हमने सोचा चलो किड्स को लेके जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। आज बोटिंग पे फ्रेंड्स के साथ आए हैं, और यहाँ पे ना एक बेस्ट एक्सपीरियंस है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, और इस वेदर में तो ओहो बहुत ज़्यादा बहुत मज़े का है। कभी अगर आप लोग कतर से हो तो ये हर कोई बोटिंग पे आते हैं, को हर कोई अगर कतर में कभी विजिट करना चाहते हो ना, ये ज़रूर करना, ये ज़रूर ज़रूर करना, इसे ज़रूर स्किप कभी नहीं करने हैं, इसे आप लोग को ट्राई करना है, बहुत मज़ा आता है। और हमने बहुत एंजॉय किया, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना हमने जो था कुछ पार्टी जैसे है ना, बर्थडे पार्टी 1-2 घंटे के लिए ले लो अपने बोट को, कुछ बुक करके भी ले सकते हैं, ऐसे हमने पूछा था, ऐसे ले सकते हैं। कभी अगर हो सके हम करेंगे तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और हमने बहुत मज़े किया। आप लोग इस वीडियो को देखिए एंड तक, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार मेरे चैनल को। चलिए फिर एंजॉय करिए मेरे साथ, और मैं भी करती हूँ।
हाय गाइस, तो ये व्लॉग जो है ना, आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल व्लॉग है क्योंकि ये जायन का फर्स्ट बोट राइड है और उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया माशाल्लाह से। हमने भी एंजॉय किया अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मैंने बहुत एंजॉय किया। और एज ए मेमोरी मैं ये सारे कैप्चर करती हूँ, आप लोग शेयर करती हूँ और यूट्यूब में भी रह जाता है। अगर इन फ्यूचर मुझे देखने का मन हो मैं देख सकती हूँ, इसीलिए मैं सारे कुछ शूट करती हूँ और कैप्चर करती हूँ। और मिलती हूँ नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लाइक करना आप लोग और शेयर करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।